लेके बोलने के छोके पढ़ने के बाद जब आप शांत हो जाते हैं तो किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, किस तरह से फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक जी का काम है, माने ये जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसका। और आपकी जब कुंडलिनी जगती है तो वो इस सुषुम्ना नाड़ी में जो उत्कुट अंतर्तम नाड़ी है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं उस नाड़ी से जा और जा करके एक बाल की जैसी ये शक्ति ऊपर जा करके ब्रह्मरंध्र को छेद, उसको छेदन होते ही ऊपर से ये जो परम चैतन्य है बहने लगता है और उससे आपके जो संकीर्ण चक्र है वो खुल जाते हैं और खुल जाने से और भी नाड़ियां ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है जिसकी सूक्ष्म सृष्टि है और जिसे हमने आज तक जाना नहीं। ये जानना हमारे उंगलियों पर होता है, हम उंगलियों पर इन्हें जानते हैं, हाथों में चैतन्य की लहरियां बहने शुरू हो जाती है। श्री शंकराचार्य ने इसे कहा है सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और ये ठंडी ठंडी हवा ये हमको बताती है और जताती है कि हमारे अंदर कौन से दोष है और दूसरों के अंदर कौन से दोष है। यहाँ तक कि जब हमारा ब्रह्मरंध्र छेद होता है तो हमारे सर से भी ठंडी ठंडी हवा रहती है और जब तक इसका हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं सकेंगे कि ये ठंडी हवा क्या चीज है और इसे क्या प्राप्त होगी। हमारे अंदर जो ये दो नाड़ियां हैं लेफ्ट एंड राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य हमारे अपने भूतकाल के बारे में सोचता है और हर समय दुखी रहता है और अपने को एक तरह से बहुत न्यून समझता है, उस वक्त हम इस नाड़ी पर गिरते 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 ऐसी दशा में चले जाते हैं जिसे हमें कहना चाहिए कि सामूहिक शुद्ध चेतन कलेक्टिव सबकॉन्शियस में होते हैं। और इस वक्त हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कि हमें बहुत मानसिक त्रास होता है, बहुत मानसिक त्रास होता है। जो बहुत डिप्रेसिव लोग होते हैं, इनको की एपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है और जो लोग पागल हो जाते हैं ये सब इसी नाड़ी के कारण। राइट साइड की नाड़ी वो होती है जिस वक्त हम बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं या बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने समझने से हमारे अंदर बहुत असंतुलन आ जाता है। इस प्रकार के चक्र है वो समझ लीजिए कि मेरे बीचों बीच हाथ में ये चक्र है और ये लेफ्ट और राइट साइड की चक्र। अब धीरे धीरे हम राइट साइड में अगर शक्ति को खूब खींचे या लेफ्ट में खींचे तो ये संकीर्ण होते जाएंगे, संकीर्ण होने से आपकी शक्ति विक्षेप होती जाएगी। अगर इसी वजह से ये ऐसा हो कि आघात से लेफ्ट साइड या राइट साइड से तोड़ दे तो आपका संबंध जो वेन्स है उससे टूट जाए। अब बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, लिवर की बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है, इतना ही नहीं और ब्लड प्रेशर टेंशन वगैरह हो। इसका एक मेन कारण यह है कि आजकल का जीवन, आजकल के जीवन में हमें बहुत संघर्ष से रहना पड़ता है। कलयुग ही ऐसी चीज है इसमें बहुत संघर्ष करना है और इस संघर्ष में मनुष्य बहुत सोचता है, अपने आगे की बातें सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इस सोच विचार से आपकी जो एक ही चक्र है जिसे हम कहते हैं यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र, इस चक्र को एक कार्य बहुत जरूरी करना और वो कार्य ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनको बार बार इसी तरह से पूरा करें, क्योंकि जब हम बहुत सोचते हैं तो ये ग्रे सेल्स खत्म होते जाते हैं और उसके जगह हमें ग्रे सेल्स आते हैं। तो इसलिए जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है कि सारा ध्यान इस चक्र का स्वाधिष्ठान चक्र का जाता है सिर्फ एक ही काम के लिए कि वो किसी तरह से ग्रे सेंस बदलते। अब उसमें एक
प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बाकी की जो काम है वो कहां कौन करे। बाकी के काम में आपका लिवर, आपका पैनक्रियास और आपका स्प्लीन, आपकी किडनी और इसके अलावा आपका कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन्स का, ये सब देखेगा कार्य इसी चक्र को करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल नगण्य हो जाती है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको पहले तो लिवर की बीमारी हो जाती है। लिवर की बीमारी के बारे में डॉक्टर लोग खास जानते नहीं और ना ही इलाज कर सकते हैं। जब तक आप उस हालत में न पहुंच जाए कि आप मरने वाले हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि अब आपको सिरोसिस होगा, आप एक महीने में मर रहे हैं। अब ये जो लिवर की बीमारी है इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ सहयोग। सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इस संकीर्ण हुए इस चक्र को फिर से जोड़ देती है और उसको फिर से खोल देती है। उस की वजह से शक्ति फिर से उसके अंदर आ जाती है और कुंडलिनी स्वयं ही उस चक्र को प्लावित कर देती है, जिससे ये चक्र जो है पूरी तरह से कार्यान्वित होते हैं और फिर से आदमी नॉर्मल हो सकता। अब उसे जो है जिसमें से आप सोचिए कि पैनक्रियास, पैनक्रियास के कारण इसका पैनक्रियास चल नहीं सकता क्योंकि उसके तरफ ये स्वादिष्टान चक्र देख नहीं सकता। इस कारण मनुष्य को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन है शहरों में, देहातों में हमारे उधर महाराष्ट्र में तो अगर आप देहात में जाए और उनसे कहिए कि चाय बनाओ तो कम से कम वो इतनी शक्कर डालेंगे कि उसमें जो है चम्मच ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे क्या चाय बनाए की जाए। इतनी वो लोग शक्कर पीते हैं और उनको कोई डायबिटीज नहीं। ये डायबिटीज सिर्फ सोचने विचारने वालों को, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को ज्यादा कर देता है क्योंकि वो बहुत प्लानिंग करते रहते हैं तो उनका जो पैनक्रियास है उधर ध्यान देने के लिए स्वादिष्टान चक्र में कोई शक्ति नहीं रह जाती। ऐसे ही लोगों को डायबिटीज हो, अगर किसी तरह से ऐसे लोगों में संतुलन लाया जाए तो फिर उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर, ये हमारे स्पीड की वजह से हो सकता। अब जिस मनुष्य का आजकल के जमाने में जीवन है एक तरह से बड़ा ही उथल पुथल वाला है, सवेरे उठने के साथ आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही आपको एक शॉक है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके कोई सी भी इमरजेंसी के लिए उस वक्त कोई ऐसी खास चीज हो जाए तो वो जागृत हो जाता है। तो आपने अखबार में भयंकर कोई चीज पढ़ी एकदम शॉक है। ये मनुष्य जो है बहुत नाजुक चीज है, ये कोई लोहे से बनी हुई चीज नहीं है। तो उस शॉक के कारण क्या होता है कि आपकी जो विहा है, जो आपका स्प्रिंग है जिसे कि खून पहुंचाना, जो चाहता है कि खून पहुंचाए तो वो खून नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके उसके अंदर जितनी शक्तियों की पहले ही खत्म हो गई होगी। इतने तरह तरह के इस तरह के शॉक दिन भर हम लोग खाते रहते हैं और उस शॉक के कारण वो जो इतनी कमजोर विहा होती है, स्प्रिंग होती है, वो थक जाती है और थक जाने के बाद ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो आजकल के जमाने में चल रहे हैं हमारे बहुत असंतुलन का जीवन हो गया है। इस वक्त कुंडलिनी जागरण से ही हम अपने चक्रों को प्लावित कर सकते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।